Hey guys, this is Kashif Aslam from Kashis and welcome back to my YouTube channel once again. आज की इस वीडियो में आई एम श्योर आप ऑब्वियसली इस एक्सटेंशन को देखकर समझ चुके होंगे कि ये एक्सटेंशन के हवाले से ही शूट है, लेकिन आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल इस वजह से है कि मैंने बहुत सारी अपनी हेयर एक्सटेंशन की वीडियोज़ जो है वो ऑलरेडी मैंने बनाई हैं और उसमें पूरी डिटेल्स के साथ मैंने एक्सटेंशन को लगाना किस तरह से आप लगा सकते हैं। उसके अलावा भी लोगों के बहुत ज़्यादा मेरे सोशल मीडिया पे कमेंट्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं बहुत ज़्यादा, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मेरी जितनी भी टीम है वो बता रही होती है कि इसको किस तरह से लगाना है। तो मेरे ख्याल में मेरी जितनी भी मास्टर क्लासेस मैंने दी हैं उन तमाम क्लासेस में मैंने ये एक्सटेंशन जो है लगाना सिखाई है, और उसके अलावा जितनी भी वो सारी वीडियोस थी ऑब्वियसली फिर वो भी मैंने अपने तमाम सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब चैनल पे भी कुछ ऐसी वीडियोस हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वीडियोस मेरी इतनी ज़्यादा मतलब ग्रेजुअली बन रही होती हैं जिसकी वजह से न्यू व्यूअर्स होते हैं वो नहीं देख पाते और उनके लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इशू होता है कि इसको किस तरह से इसको अटैच करना है। एक्सटेंशंस के हवाले से मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि एक्सटेंशंस की एक बहुत ह्यूज वैरायटी है मेरे सलून पर। जैसे कि आपने अक्सर एक्ट्रेसेस वगैरह को देखा होगा, उसमें बहुत सारी जो एक्सटेंशन होती हैं उसको मैं मतलब उसको प्रॉपर उसको ब्लो ड्राई करके उसको किसी भी तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है बेसिकली इस एक्सटेंशन में और उस एक्सटेंशन में? बेसिकली वो प्रॉपर वो वर्जिन हेयर्स होते हैं जिनको हम किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, और ये ऑब्वियसली एक सिल्क हेयर्स हैं। रीज़न इसका बेसिकली यही था कि वो एक्सटेंशन जो है एक बहुत हाई क्वालिटी और वर्जिन ह्यूमन हेयर्स होते हैं जिसकी वजह से आई थिंक वो हेयर्स जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं, तो वो उन लोगों के लिए ऑब्वियसली वो बिल्कुल एक बेस्ट और बेटर ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो ऑब्वियसली अफोर्ड कर सकते हैं। उस एक्सटेंशन की खास बात ये है कि उसमें आप कलर्स कर सकते हो, लेकिन इस एक्सटेंशन में आप कलर नहीं कर सकते, लेकिन एज इट इज़ आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। आप इसी तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं, आप इसको एक नॉर्मल हीट पर आप इसको ब्लो ड्राई कर सकते हैं, आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर आप इसको आयरन कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं आपको आज की इस वीडियो में प्रॉपर गाइड करूँ, क्योंकि जो लोग ऑब्वियसली सलून नहीं जा सकते या एक्सटेंशन की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, जैसा कि आपको पता है कि मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान, इवन कि नेशन वाइड नहीं इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन मेरी बहुत पसंद की जाती हैं। एक्सटेंशंस की एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज वैरायटी है, जैसे कि आपने बहुत सारी मेरी वीडियोस में देखा था, और मैं बहुत सालों से ऑलमोस्ट 10 साल से एक्सटेंशन लगा रहा हूँ। उसमें परमानेंट एक्सटेंशंस भी होती है, परमानेंट एक्सटेंशंस की एक डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसमें ब्रेड एक्सटेंशन होती है, उसमें माइक्रोनिक एक्सटेंशन होती हैं, उसमें फ्यूजन एक्सटेंशन होती हैं, उसमें 6D हेयर एक्सटेंशन होती है, तो वो सारी जो एक्सटेंशन हैं वो एक अलग कैटेगरी है। उसके अलावा ह्यूमन हेयर्स में बहुत सारी वैराइटीज़ आती हैं, उसमें क्लिप ऑन्स होते हैं, उसमें अगर आप देखें हाफ हेयर एक्सटेंशन होती है, उसमें क्राउन एक्सटेंशन होती हैं, वो सारी रियल हेयर्स के अलावा जितनी भी मतलब रियल हेयर्स में जितनी भी एक्सटेंशन हैं वो सारी अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं डिफरेंस जो आता है आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कॉस्ट की वजह से आता है। जो लोग, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता था जिसकी वजह से वो आई एम श्योर कि वो थोड़ी कॉस्टली होती है, और ये तमाम लोगों को पता है कि ह्यूमन हेयर्स जो हैं वो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, तो वो अफोर्ड करना आई थिंक वो हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन लोगों का दिल बहुत ज़्यादा उस एक्सटेंशन पे होता था जिसकी वजह से मैंने कोशिश की कि मैं उसी से रिलेटेड चीज़ बनाऊँ। तो ये एक्सटेंशन जो है ये बहुत अफोर्डेबल एक्सटेंशन है, ये हर कोई आई थिंक इसको अफोर्ड कर सकता है, और इसको लगाने का तरीका ये भी कोई मुश्किल नहीं है। जो भी आपके मिसकंसेप्शंस थे वो आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। करना आपने सबसे पहले ये है कि आप देख सकते हैं कि अभी जो मॉडल के मैंने जो हैं बाल जो हैं बैक से बिल्कुल टाई कर रखे हैं, और फ्रंट से ऑलमोस्ट 1 इंच या 1.5 इंच आप कर सकते हैं जिस तरह से आपने सेट करना है। इंस्टेंटली आपने किस तरह से ग्लैमरस लुक देनी है, ये ऑब्वियसली एक पार्टी वेयर टाइप का मैंने जो है ओवरऑल गेटअप दिया, ताकि जो लोग, और कोई बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं किया, सिंपल सा मेकअप है, कोई आईलैशेस भी नहीं लगी हुई, क्योंकि इंसान की पर्सनैलिटी, ब्यूटी, मैं ऐसी अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो बालों में होती है। अगर आपके बाल अच्छे बने हुए तो ऑब्वियसली आप बिल्कुल रेडी होते हो, आप इंस्टेंटली आप जो है एक फ्रेश लुक आ जाती है आपकी, क्योंकि बाल जो हैं वो पर्सनैलिटी का सबसे मेजर पार्ट है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बाल और मतलब ऑब्वियसली हेयर स्टाइल या हेयर और मेकअप, इन दोनों का जो है ना 40 और 60 का होता है डिफरेंस। अगर हम मेकअप बहुत अच्छा हमने किया हुआ, अगर हमारे बाल अच्छे नहीं है तो वो एक फ्रेश लुक आ ही नहीं सकती। अगर मेकअप आपका थोड़ा बहुत आई थिंक मैं समझता हूँ इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आपने बाल, आपका हेयर स्टाइल आपके फेस पर सूट कर रहा है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप
ओवरऑल जो है बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। इवन कि अगर आपका आउटफिट भी कोई बहुत अच्छा नहीं है लेकिन आपका हेयर स्टाइल अगर बहुत अच्छा है तो एकदम से आप जो है एक बहुत अच्छी आपकी अपीयरेंस होती है, आपकी एक अट्रैक्शन बालों की वजह से बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये उन तमाम लोगों की वजह से बेसिकली मैंने एक्सटेंशन बनवाई है कि जो मेरे ख्याल में चाहते थे कि मेरी बहुत सारी एक्सटेंशन देखकर हज़ारों उसमें कमेंट्स होते हैं उसके कि उस तरह की एक्सटेंशन तमाम लोगों को चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो है वो ऑब्वियसली वो अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सटेंशन जो है थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन वो एक्सटेंशन की क्वालिटी एक्सपेंसिव होने वो एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट होती है, सालों साल आप उसको चला सकते हैं, उसको आप जो मर्ज़ी कर सकते हैं, लेकिन एक अफोर्डेबल चीज़ किस तरह से हो कि वो तमाम लोग उसको जो है मेरी एक्सटेंशन को ले सकें। तो इसको प्रॉपर मैंने इसको कंसिडर किया कि किस तरीके से मुझे ऐसी कोई चीज़ बनानी चाहिए उस एक्सटेंशन के ऑल्टरनेट में जिसमें एक अफोर्डेबल जो है वो प्राइस हो और हर कोई ले सके। और ये एक्सटेंशन जैसे बहुत सारे लोग हैं कि वो मुझसे ये भी पूछ रहे होते हैं कि मैं अपना सैलून जो है पाकिस्तान के दूसरे सिटीज़ से बहुत ज़्यादा लोगों की जो है डिमांड होती है कि अपना सैलून करूं, तो इस लिहाज से मैंने अपनी जो है जितनी प्रोडक्ट्स हैं मैंने वो बनाई ताकि अगर इन केस अगर मैं उन जगह पर नहीं आ सकता, मैं अगर क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने कराची में बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ, लेकिन मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ उन तमाम लोगों का, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जितने लोग मुझसे आई थिंक मेरा रिगार्ड करते हैं, जितना मेरे काम को पसंद करते हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो है अब मैं ये समझता हूँ कि अपने प्रोडक्ट के थ्रू उनको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, वो भले से वो मेकअप हो, भले से वो हेयर्स हों, उसके अलावा मेरी हेयर स्टाइलिंग लोग बहुत पसंद कर रहे होते हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं ग्रेजुअली वो तमाम चीज़ें आप लोगों को सिखाता रहूँ और बहुत ईजी मैथड के साथ। जिस तरह से मेकअप है मेरे, आपने देखा होगा अक्सर मेरे अभी बहुत सारे एक पैलेट्स हैं मेकअप की, एक बहुत बहुत ह्यूज रेंज है जो मैं अपनी जो है बनाई है, लेकिन उनको किस तरीके से आपने इजी तरीके से आपने उसकी एप्लीकेशन करनी है, आपने किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करना है, ये मैटर करता है बेसिकली। तो इसी लिहाज से मेकअप की बहुत सारी चीज़ें वो इंशाल्लाह आप देख रहे हैं और मज़ीद देखते रहेंगे। हेयर्स के हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरी जो है स्टाइलिंग में पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन आज जो है मैं बहुत डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके हवाले से बहुत ज़्यादा लोगों के क्वेश्चंस थे। तो आई थिंक इस वीडियो के बाद जो है अब आप लोगों के तमाम मिसकंसेप्शन और एक्सटेंशंस को लगाने का तरीका जो है वो आप लोग सीख सकेंगे और घर में लगा सकेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपको सैलून पर जाकर इसको फिक्स करना पड़े। करना आपने ये सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि फ्रंट से आप देख सकते हैं कि मैंने पार्टिंग निकाली है और उसके बाद मैं आपको बैक दिखाता हूँ इसकी, और आप देख सकते हैं ये बैक। और बेसिकली सबसे पहले आपने करना ये है कि पार्टिंग जिस तरह से आपने फ्रंट पे निकालनी है, उसके बाद आपने एक बिल्कुल लो बन बनाना है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं हो बिल्कुल भी, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ये बैक से उठा हुआ होगा तो जैसे हम विग लगाएंगे तो वो काफ़ी बैक से जो है बहुत ज़्यादा एक वॉल्यूम आ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ऑब्वियस हो रहा होता है कि आपने कोई एक्सटेंशन या विग वगैरह लगाई हुई। और फ्रंट आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसकी पार्टिंग की है, और एक्सटेंशंस जो है बेसिकली एक फ्रंट पे इसका ये कॉम्ब है, और जिसको आपने आप देख सकते हैं कि फ्रंट से मैंने पूरा बैक पे किया हुआ है, ओवरऑल इस तरह से आपने बैक पे लेना ताकि जब मैं ये लगाऊँ इसको आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मुझे यहाँ पर इसको फंसाना है इस जगह पर, ताकि इसके बिल्कुल ही क्लोज रहे। साथ साथ इसके आप ये देख सकते हैं ये एडजस्टेबल बैंड है कि आपने आपको जितना भी आपको इसको टाइट करना है, जितनी आपने इसकी ग्रिप बनानी है आपने, तो इसकी आप बैक से बना सकते हैं। अब मैं ये लगा रहा हूँ इसको और आप देख सकते हैं ये पूरा कॉम्ब को मैंने अटैच किया है, और जैसे इसकी एक सेंटर पार्टिंग इसकी बनी हुई है उसी तरह से मैंने इसको लगाया है, और बैक पर पूरे इसके जो लो बन मैंने बनाया हुआ उसके साथ मैंने इसको पूरा फिक्स कर दिया है, और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लग चुकी है एक्सटेंशन और बिल्कुल ही नेचुरल लुक आ रहा है। लेकिन इसको मज़ीद जो है जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा है कि ओबियसली एक पार्टी वेयर मॉडल पार्टी मेकअप वगैरह अगर किसी ने करना है तो उसके लिए स्टाइलिंग किस तरह की होनी चाहिए, इसको मज़ीद किस तरीके से नेचुरल एक लुक देंगे, और एक इस एक्सटेंशन को स्ट्रेट में भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसमें स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। और जैसे कि आप मेरी बहुत सारी वीडियोस में आप देख चुके हैं कि मैं एक बड़े कैजुअल लुक के साथ जो है ये एक्सटेंशन जो है लगा रहा होता हूँ, लेकिन किस तरह से आप इस एक्सटेंशन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने किसी भी पार्टी वेयर लुक के लिए,
तो आप देख सकते हैं कि आपने जिस तरह से मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया कि आपने एक्सटेंशन लगानी है और उसी प्लेसमेंट पर लगाने के बाद आपने सेंटर मांग पे आपने इस तरह से टीका लगाना है। एक्यूरेसीज़ की बिल्कुल जो है ऑब्वियस रहे, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा हम टीका लगा रहे हैं और उसके बाद जो है इसकी सेटिंग, क्योंकि मुझे भी इस पर ब्रेड बनानी है ताकि एक मज़ीद एक नेचुरल लुक भी रहे और एक ब्लेंडेड लुक भी रहे। और ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है उन तमाम फंक्शंस के लिए जिनको मेहंदी में, वेडिंग में, वलीमे में, किसी भी ओकेजन पे आप ये कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टाइल जो है बहुत ज़्यादा जो है एक मैं ये समझता हूँ बड़ी सॉफ्ट और एक डिसेंट लुक दे रहा होता है। और जिस तरह से ऑब्वियसली एक्सटेंशन है, कभी आप सैलून पर जाकर आयरन करवा रहे होते हैं तो आयरन जो है थोड़े टाइम बाद जो है ह्यूमिडिटी की वजह से ख़त्म हो जाता है। अगर मतलब बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं या कर्ली होते हैं अगर आप स्ट्रेट कर रहे होते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा जो है बाल जो है आपने कितना भी अच्छा अगर आपने आयरन किया हुआ होता है तो वो जो है बाल वापस वो जो है कर्ल जो है वेव्स हैं वो आ जाते हैं और एक बहुत ही ज़्यादा एक मैसी लुक आ जाता है। तो ये एक्सटेंशन लगाने के बाद जो है आपको आई थिंक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा कोई आपको इशू नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी मैंने फ़िलहाल ये एक्सटेंशन लगा दी है, लेकिन मज़ीद जो है इसको ग्लैमरस करने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी मैं एक ब्रेड बनाऊंगा। इट्स अप टू यू, आप चाहें तो बिल्कुल जो है एक अगर आपने एक सिंपल एक बिल्कुल ही सॉफ्ट लुक रखनी है, बिल्कुल स्ट्रेट बाल रखने हैं, तो आप बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक बिल्कुल ही जो है एक ईजी तरीका है इंस्टेंटली रेडी होने का। और इसको मज़ीद अगर आपने इसको ग्लैमरस लुक देना है मेहंदी वगैरह के फंक्शंस के लिए या जो भी ऑब्वियसली घर में हाउसवाइफ्स होती हैं वो वेडिंग वगैरह में वो कभी कभी प्रेफर करती हैं कि बहुत ज़्यादा जो है बाल खोलें तो बहुत मैस हो जाता है, या बच्चे होते हैं साथ तो फिर बहुत ज़्यादा बाल ख़राब हो जाते हैं, तो वो प्रेफर करती हैं कि हम अपने हेयर्स को जो है वो पैक करवा लें। तो आई थिंक जिनको अगर ये एक्सटेंशन जो है लगानी है तो सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। उसके साथ सबसे ज़्यादा ईजी तरीका जो है वो इसमें मैं आपको भी अभी ब्रेड बनाकर दिखाऊँगा, जिससे आपका हेयर स्टाइल जो है वो बिल्कुल सिक्योर हो जाएगा। और आप कितनी भी आपकी मूवमेंट है, अगर आप मेहंदी वगैरह के फंक्शन के लिए अगर आपने परफॉर्म करना है तो भी अगर आप परफॉर्म करते वक्त भी इम्पॉसिबल सी बात है कि आपका हेयर स्टाइल ख़राब हो। और इवन के जिस तरह से 400 ग्राम की एक्सटेंशन है तो वॉल्यूम की वजह से फ़ोटोग्राफ्स में, वीडियोस में, स्लो मोशन वीडियोस वगैरह में, तो ये एक्सटेंशन क्योंकि जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका एक स्लीक लुक है, इसकी वजह से जो लाइट का रिफ्लेक्शन है बहुत अच्छा आ रहा होता है, बिल्कुल एक फेक लुक नहीं होता। आप देख सकते हैं कि बाल जो है बहुत अच्छे ये ब्लेंड हो चुके हैं, लेकिन मज़ीद जिस तरह से मैं इसकी पूरी प्रॉपर एक ब्रेड बनाऊंगा तो एक मज़ीद नेचुरल लुक आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये ओवरऑल जो है पूरी सेटिंग हो चुकी है, जैसे मैंने आपको कहा है कि अब मैं इसको प्रॉपर एक ब्रेड बनाकर दिखाऊंगा। तो करना आपने सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिस तरह से आप कोई भी नॉर्मल ब्रेड बनाते हैं तो वो आप उसके लिए हम अपने बाल अपने फ्रंट से उठाने, अब आप देख सकते हैं कि बहुत ही कोई डिफ़िकल्ट हेयर स्टाइल नहीं बनाया, एक बहुत ही सिंपल सी ब्रेड बनाई है मैंने और उस पर मैंने अपनी जो हेयर एक्सेसरीज है वो उसमें अटैच कर दी है। और सिंपल सा आप भी कर सकते हैं इसको, आप एक्सटेंशंस को इसी तरह से ब्रेड बनानी सेंटर से, उसके बाद जो है अपने सेंटर में अगर आप चाहें तो उसमें कोई फ्लावर्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और आप बैक साइड से आप लुक देख सकते हैं कि हेयर की क्वालिटी आप चेक कर लें कि कितना अच्छा इसका एक स्लीक लुक है और जिस तरह से ये फ्रंट से दिखने में अच्छी लग रही है, और सेम इसी तरह से इसका बैक से भी आप देख सकते हैं इसका लुक किस तरह का है। और ये स्टाइल जो है ये हर तरह के फेस पर जो है सूट करता है। और इतने मेरे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह में आपने देखा होगा कि इस तरह की ब्रेड बनी हुई होती है, तो इस स्टाइल से हमेशा एक बड़ी एक सॉफ्ट और एक इनोसेंट सी लुक आती है। और आप ये ओवरऑल आप देख सकते हैं हर तरफ से कि किस तरह से इसका ये पूरा लुक आ रहा है। Thank you.
फाइनली आप देख सकते हैं जिस तरह से अभी मैंने आपको बैक से दिखाया था कि इसका क्या लुक है, कि कितना एक नेचुरल एक ब्लेंडेड लुक था और कहीं से भी जो है फेक एक्सटेंशंस नहीं लग रही थी। और आप इसका फ्रंट सिप लुक देख सकते हैं और आप चाहें तो मज़ीद इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं स्टाइलिंग की। फाइनली ये रिज़ल्ट है। बेसिकली आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप इंस्टेंट जो है आप घर बैठे चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के लुक के लिए आपको सलोन विज़िट करना पड़े। बहुत सारे लोगों की डिमांड हमेशा से रही है कि काशी सलोन कराची के अलावा कहीं ओपन करें, इस्लामाबाद में, लाहौर में। बेसिकली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे काम को पसंद करते हैं और जिनकी वजह से मेरी जो है बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं किस तरीके से उनकी हेल्प कर सकूँ ताकि उनको बहुत इंस्टेंटली वही चीज़ मिल सके जिस तरह के बहुत सारे सैलून में लोग जाते हैं और मेरे अपने सिग्नेचर स्टाइल्स हैं वो पसंद करते हैं, वो सारी चीज़ें दूसरे सैलून्स पे। लेकिन किस तरीके से मैं अपने ओन पर आप लोगों को प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ, इसी के लिए स्पेशली मैं अपनी तमाम प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ। जैसे कि आपने मेरी जितने भी कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स हैं और मेरे अपने इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं, वो मेकअप से रिलेटेड हों, वो हेयर एक्सटेंशन से रिलेटेड हों। और इस एक्सटेंशन को बेसिकली बनाने का मकसद, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था, कि एक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ह्यूमन हेयर्स में और सेम उसी तरह की चीज़ लोगों को ऑब्वियसली अफोर्ड नहीं कर सकते ह्यूमन हेयर्स, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो किस तरह से एक लेस एक्सपेंसिव अमाउंट में आप किस तरह से मज़ीद जो है उसी तरह का ग्लैमरस लुक ले सकते हैं, ये देख सकते हैं कि ये एक बिल्कुल एक नेचुरल कलर है जो बहुत ज़्यादा जो है आई थिंक हमारे जिस तरह से पाकिस्तानी कॉम्प्लेक्शन होता है या हेयर टेक्सचर होता है तो उसके लिए बिल्कुल बेस्ट है। किस तरह से आप इस एक्सटेंशन को भी बिल्कुल ह्यूमन हेयर एक्सटेंशन की तरह आप इसको नेचुरल लुक दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि सेम एज इट इज़ वही लुक है जो आपने मेरी अपनी दूसरी एक्सटेंशन आपने देखी हैं। बस एक ज़रा सा डिफरेंस ये है कि आप इसको, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप इसको नॉर्मल हीट पे आप इसको ब्लो ड्राई कर सकते हैं, आप इसको आयनिंग कर सकते हैं, आप इसको फ्रेश कर सकते हैं, आप इसको मल्टी टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कलर नहीं कर सकते। और आप इसको क्योंकि ये बिल्कुल डेड एक्सटेंशन है तो आप इसको बहुत ज़्यादा इसमें आप लेयरिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह से ये कस्टमाइज बनी हुई तो बेसिकली आप इसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने ब्रेड बनाई हुई है तो आप इसको इस तरह से आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, आप सिंपल तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन आप इसमें कोई केमिकल प्रोसेस आप नहीं कर सकते। बेसिकली मेरी सोशल मीडिया टीम जो है वो मुझे तमाम फीडबैक दे रही होती है कि किस तरह के ऑब्वियसली आप लोगों की किसी भी प्रोडक्ट को लेके जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं सारी उसमें एक्सटेंशंस के हवाले से। बेसिकली ये सिल्क हेयर एक्सटेंशन है तो इसमें कितने कलर्स हैं, तो इसमें बेसिकली 6 कलर्स हैं और वो तमाम कलर जो है मैं समझता हूँ ये बहुत रनिंग कलर्स होते हैं, और क्योंकि मैं ख़ुद भी कलर्स वगैरह करता हूँ तो यहाँ पर जिस तरह के बहुत फंकी कलर्स इसमें अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा जो है इसमें शेड्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि अभी ये जो कलर है ये नेचुरल ब्लैक है और सेम इसी के साथ जो है आप ये एक्सटेंशन देख सकते हैं, इसमें ऑलिव गोल्ड के आपको हाइलाइट्स नज़र आ रही होंगी और ये वो कलर्स हैं जो मोस्टली सलोन पर जो है लोग करवा रहे होते हैं। तो इसीलिए जितनी भी मेरी एक्सटेंशन बनी है, क्योंकि ये एक बहुत ही नेचुरल लुक के साथ एक्सटेंशन है, तो उसमें शेड्स भी पूरे उसी तरह की ही रखें ताकि अगर आपने अपने बालों में कोई शेड करा हुआ है, अगर नेचुरल ब्लैक है तो उसके साथ जो है आप अगर कोई हाइलाइट्स है तो डेफिनेटली ये बिल्कुल ये मैच करेगी, और अगर थोड़ा बहुत भी अगर डिफरेंस होगा तो आई थिंक वो इतना ज़्यादा फील नहीं होता। जैसे अभी आप देख सकते हैं जिस तरह से ये एक नेचुरल ब्लैक कलर है, तो इसमें अगर आपके बाल मीडियम ब्राउन, जो कि कहीं ना कहीं लोग जो है उसको भी ब्लैक कहते हैं, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, उन तमाम शेड्स को लोग अगर शेड कार्ड के हिसाब से जिस लैंग्वेज में कहूँ तो मैं उसमें हमको वो शेड ही कह रहे होते हैं, लेकिन ये जो दो तीन लेवल्स हैं तो उसके लिए ये एक्सटेंशन बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप शेड माइनर से भी लाइटर है या डार्कर है तो ये एक्सटेंशन का कलर जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। अदरवाइज़ अगर आपने अपने नेचुरल बालों में अगर आपने हाइलाइट्स करवाई तो आई थिंक इसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जो है ये एक्सटेंशन आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जिस तरह से आप देख सकते हैं हाईलाइट भी है तो उससे आपके अपने बाल और इस एक्सटेंशन के साथ वो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएंगे। उसके अलावा सेकंड कलर जो है आप ये देख सकते हैं, ये हेजल ब्राउन कलर, ये भी बहुत रनिंग कलर है। आई थिंक मोस्टली लोग जो है जो लाइटर टोन पसंद करते हैं तो वो इस तरह के लेवल पर ही जो है शेड अपना रखते हैं,
ऐसी और भी बहुत सारी मेरी वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने इस तरह के जो है कलर्स किए हुए हैं, इस तरह की एक्सटेंशन जो है मैंने यूटिलाइज़ किए, तो ये उनके लिए भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि वो ये जो है कलर उनकी उनकी स्किन कॉम्प्लेक्शन पे जो उन्होंने अपनी पसंद का करवाया है तो वो इस कलर को चूज़ कर सकते हैं ताकि इसके साथ अपने बाल जो है हेयर लाइन पे जिस तरह से वो निकालेंगे तो बहुत अच्छी एक ब्लेंडिंग हो जाएगी। अदरवाइज़ इस तरह के लेवल के साथ साथ कुछ लोग जो हैं वो हाइलाइट्स भी पसंद करते हैं, तो इसी तरह से सेम जिस तरह से ये कलर है तो बेस कलर बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसा ही है। और इसके साथ आप ये देख सकते हैं, आप इसमें भी ऑलिव गोल्ड की हाइलाइट्स हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट शेड पसंद होते हैं तो उनके लिए ये कलर है बिल्कुल बेस्ट। हेज़ल जो है इसकी बेस है पूरी और उसके साथ जो है ऑलिव गोल्ड की हाइलाइट्स हैं इसमें, तो ये भी एक बहुत ही बेसिक और ये रनिंग शेड है। अभी ऑलमोस्ट जो है मैंने आपको 4 शेड्स दिखाए। उसके अलावा कुछ लोग जो है फैशन डाई की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा उनको होता है कि कोई चौको ब्राउन टाइप का कलर, तो उसके लिए ये भी बहुत ज़्यादा जो है रनिंग कलर है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ज़रा नीचे इसके नीचे के लेवल पर एक सन किस बालियात जो है वो पूरा इसमें अफेक्ट है, और ये भी बहुत बेसिक कलर है जो मोस्टली लोग जो है वो करवाते हैं जिनको लाइटर लेवल पसंद होता है और जिनको थोड़ा सा डार्कर। और आप देख सकते हैं ऊपर से एक नेचुरल सा लुक है इसका, और ज़रा सा टिंट जो है इसमें चौको ब्राउन का है और नीचे आकर ये बिल्कुल ही लाइटर लेवल पर हो गया है, जिस तरह से नेचुरली लोगों के सन किस्ड बालियाज हो जाता है, तो ये भी एक बहुत ही नेचुरल कलर है इसके साथ साथ। और अगर कुछ लोगों ने चौको ब्राउन कलर के साथ अगर हाइलाइट्स करवाई हुई तो सेम ये है एक्सटेंशन। आप देख सकते हैं कि बेस कलर ओवरऑल बिल्कुल सेम एक जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडिशन जो है हाइलाइट्स का है, इसमें जो ऑलिव गोल्ड हाइलाइट्स इसमें भी है। तो बेसिकली ये वो तमाम कलर्स हैं जो बहुत ज़्यादा रनिंग कलर्स हैं, और कोई ऐसा इतना इशू नहीं है कि इसमें अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर आपको डिफरेंस हो तो वो कोई बिग इशू नहीं है, क्योंकि आप इस तरह की अगर स्टाइलिंग करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाता है। इन जो 6 कलर्स हैं ये सारे जो बहुत बेसिक और बहुत रनिंग कलर्स हैं और ये मोस्टली लोगों की कॉम्प्लेक्शन पे सूट करता है। हाँ, इसमें एक जो है बरगंडी कलर जो है वो बेसिकली अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो कपल ऑफ मंथ्स में वो इंशाल्लाह वो अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन वो कलर जो है क्योंकि वो वॉश ऑफ हो जाता है तो इसलिए उस कलर की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती, वो बहुत रेयर जो है लोग कलर करवा रहे होते हैं। तो अदरवाइज़ जितने भी रिमेनिंग कलर जो मैंने अभी आपको दिखाए ये सारे वो मोस्टली रनिंग कलर्स हैं, क्योंकि मैं इतने सालों से ओबियसली इस प्रोफेशन में हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये वो कलर्स हैं जो हर कोई मेरे सलोन पर नहीं आ सकता। हर कोई आकर ओबियसली इसको जो कराची में रहते हैं वो या कराची से करीब जितने भी हैदराबाद वगैरह में वो तो विज़िट कर लेते हैं, लेकिन इसके अलावा जो है जितने भी लोग पूरे पाकिस्तान से लोग कॉल्स मैसेजेस कर रहे होते हैं वो थ्रू सोशल मीडिया जो है वो सारी जो है इसकी इन्फॉर्मेशन चाह रहे होते हैं। आउट ऑफ कंट्री लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे होते हैं हेयर एक्सटेंशन के बारे में, लेकिन वो उनका कन्फ्यूजन होता है सबसे ज़्यादा जो हेयर कलर के हवाले से, क्योंकि ओबियसली अगर कलर का डिफरेंस हो और अगर वो यहाँ से ऑर्डर कर लें और उनके पास पहुँचे तो बहुत ज़्यादा टू मच डिफरेंस नहीं हो, तो उसके लिए लोग कलर्स पूछ रहे होते हैं। तो जितना भी ओबियसली मेरी टीम से हो सकता है वो पिक्चर्स के हवाले से भी गाइड कर रहे होते हैं, लेकिन इस वीडियो को बेसिकली बनाने का मकसद ही यही था मेरा कि मैं इसमें आप लोगों को मैक्सिमम नॉलेज दे सकूँ। जैसे परमानेंट एक्सटेंशंस हैं, जैसे क्लिप ऑन एक्सटेंशन है, तो बहुत सारी एक बहुत ही ह्यूज वैरायटी है, तो इसके लिए एक वीडियो में ओबियसली वो तमाम चीज़ें आ नहीं सकती, तो इसलिए मेरी ये कोशिश है कि मैं आप लोगों को मैक्सिमम हेयर एक्सटेंशन से रिलेटेड चीज़ें बना के दे सकूँ, क्योंकि सेल्फ एक्सटेंशन अलग हैं, उसके स्टाइल्स अलग हैं, कुछ में कर्ल्स होते हैं, कुछ में ब्लो ड्राई का स्टाइल है, तो और कुछ में प्रॉपर स्टाइलिंग भी होती है कि जो लोग जो है इस स्टाइलिंग अगर नहीं कर सकते तो वो सिर्फ अटैच करें और वो बिल्कुल जो है जिस तरह से मेरे अपने सिग्नेचर काशी स्टाइलिंग उस तरह की एक्सटेंशंस हैं, तो बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो सारे क्लियर जो है इसी तरह की मेरे ख्याल में वीडियो में हो सकेंगे। जैसे कि बेसिकली आज मैंने पूरी प्रॉपर ये वीडियो बनाई है कि आप इसको एक्सटेंशंस को पूरा किस तरीके से इसकी पार्टिंग निकाल सकते हैं, किस तरह से बैक पे आपने इसका लो बन बनाना है, किस तरह से उसको अटैच करना है, किस तरह से आपने सेम उसी तरीके से आपने छोड़ना है, और किस तरह से आप इसको ज़रा सा अगर आप ब्रेड बनाएं तो आप इस तरह का एक बहुत ही एक सॉफ्ट और एक जो एट द सेम टाइम एक ग्लैमरस लुक भी आप ले सकते हैं। और ये स्टाइल जो है बेसिकली हर तरह के फेस पर सूट करता है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि फेस छोटा है या फेस बड़ा है, तो वो फेस फीचर्स का इस हेयर स्टाइल से कोई इशू नहीं है कि कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं कि किस तरह के बालों पर सूट करेंगे, लेकिन ये स्टाइल ये एक्सटेंशन ये हर तरह के फेस पर ये सूट करेगी, क्योंकि जिस तरह से मैं काम करता हूँ तो मेरी अपनी जो नॉलेज जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एक्सटेंशन बनाने का मकसद बेसिकली यही था कि तमाम लोग जो है जो घर पर खुद से रेडी होना हो तो उन लोगों के लिए बहुत आसानी है कि सेम यही
ही स्टाइल जो है वो आप बना सकें। एक और क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा लोग कर रहे होते हैं हेयर एक्सटेंशन के हवाले से कि किस तरह से ये ऑब्वियसली जो लोग कॉल कर रहे होते हैं ऑनलाइन जिस तरह से लोगों को ऑनलाइन मंगवानी होती है एक्सटेंशन, तो उसकी पैकेजिंग वगैरह कैसी होती है कि मतलब ऑब्वियसली इतना बड़ा ट्रैवल होता है तो उसमें जो है एक्सटेंशन जो है ख़राब नहीं हो सके, तो उसके लिए जो पूरी इसकी जो स्पेशल पैकेजिंग है वो बेसिकली इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही, एक तो ये प्रेजेंटेशन वाइज और क्योंकि आप इसको मल्टी टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो उस लिहाज से एक बहुत ही सेफ़ है और किस तरह से आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही एक सेफ पैकेजिंग में होती है एक्सटेंशन। इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि बाल ख़राब नहीं हो, इसीलिए इसके ऊपर भी एक पूरी नेट जो है ये कवर्ड होती है और अंदर भी इसका एक पेपर होता है ताकि बिल्कुल क्राउन एरिया जो है वो ख़राब नहीं हो। एक्सटेंशंस आप देख सकते हैं, ज़रा सा आप इसको ब्रश कर लें आप देख सकते हैं, और अगर आप चाहें इसको मज़ीद इसको नीट करना हो तो आप हल्का सा इसको सिर्फ ड्राई कर लें ताकि जो कोई भी टैंगल वगैरह नहीं बने, कोई सा भी हल्का सा आप जो है इसमें थोड़ा सा सीरम लगा लें। बेसिकली आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंस है इस एक्सटेंशन का, इस पैकेजिंग के अंदर होती है इस तरह से एक्सटेंशन होती है और ये बेसिकली ये रिज़ल्ट होता है। तो आई थिंक इस वीडियो के बाद जो है अब आप लोगों को इस एक्सटेंशन के हवाले से जितने भी मिसकंसेप्शन थे आई एम श्योर कि वो क्लियर हो चुके होंगे, और किस तरीके से आपने जो है इसको बेसिकली आपने इसको ऑनलाइन ऑर्डर करना है वो सारी डिटेल्स वगैरह मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा मेरा भी फेसबुक पेज, और इसके जो हैं 4.4 मिलियन जो हैं लाइक्स हैं। इस चीज़ की पहले बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती थी कि बहुत ज़्यादा फेक पेज की वजह से लोग कहीं और पे ऑर्डर कर देते हैं, तो बेसिकली ये फेसबुक पेज है जो मेरा बिल्कुल इसकी ऑथेंटिसिटी है। उसके अलावा और अभी आपकी स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आ रहा होगा, बेसिकली ये ऑथेंटिक अकाउंट है। इसके अलावा बहुत सारे अकाउंट्स हैं वो तमाम फेक हैं, तो आप सिर्फ इस पर डीएम कर सकते हैं, आप इस पर तमाम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप इस पर ऑर्डर कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे जो ऑथेंटिक नंबर्स हैं व्हाट्सएप नंबर हैं, और उसमें एक नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, नंबर है 0345-288-9230। इसके अलावा एक नंबर और है 0312-88-34015। दोनों जो बेसिकली नंबर्स हैं ये ऑथेंटिक नंबर हैं, आप इस पर जो है कॉल्स कर सकते हैं, आप इस पर जो मैसेजेस हैं आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है आप वो ले सकते हैं। और अभी आपकी स्क्रीन पर मेरी वेबसाइट आ रही होगी, आप ऑनलाइन जो है इस पर परचेज कर सकते हैं, तमाम चीज़ें जो है वो डिटेल के साथ इसमें अवेलेबल हैं। और बहुत जल्द काशीज़ मोबाइल ऐप जो है वो भी मेरी लॉन्च हो जाएगी, इसमें आप लोगों के लिए बहुत कन्वीनियंट होगा उन तमाम प्रोडक्ट को देखना, उसमें तमाम चीज़ें डिस्प्ले होंगी जिसमें आप इजीली उस पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। फाइनली आप देख सकते हैं ये एंड रिजल्ट और ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी एक्सटेंशंस के हवाले से मैंने आपको दी, आई होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें गाइडलाइन मिली होगी। इसके अलावा मज़ीद ऐसी जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी जो है हेयर एक्सटेंशन की वेरिएशंस हैं, किस तरह से उनकी अटैचमेंट होनी चाहिए, किस तरह से आपको उसका लुक होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ह्यूज वैरायटी है, तो एक किसी वीडियो में जो है वो तमाम डिटेल्स नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ हेयर एक्सटेंशन से रिलेटेड जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो, लगाने में बहुत आसान हो, और आप लोगों को जिस तरह से क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा हेयर एक्सटेंशन के हवाले से, उसमें प्रॉपर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मेरे वीडियोस की सूरत में आप लोगों को इसकी प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।